प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया है। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित इस प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। इस सोलर प्रोजेक्ट के शुरू होने से मध्य प्रदेश के लोगों और उद्योगों को बिजली मिलेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यहां से एक बड़ा बयान भी दिया था कि नीमच जिला भी देश में सस्ती और बिजली देने वाला शहर बनेगा, जिसके बाद यहाँ के आम लोगों में एक नई उम्मीद जगी है, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने नए सौर ऊर्जा प्लांट को लेकर भी जमीन तलाशना शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने कहा था कि रीवा की तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट का काम चल रहा है। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्ग के परिवार, किसानों और आदिवासियों को होगा। जब राजा दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश को बंटाड़ा हल किया था, न बिजली का पता था, न तार में करंट होते थे, जनता हताश थी, करोड़ों रुपए का कर्जा उस समय छोड़ के गए थे। उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में सुधार किया, बाबूलाल जी गौड़ साहब ने किया और किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान आया। जब उनने ये कहा था कि हम मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देंगे, तब लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई थी। मगर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वयं ने आकर नीमच में और 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की थी, उसको पूरा किया और आज हम देखते हैं पर्याप्त बिजली मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है। हमारे यहाँ जो डिकेन में जो प्लांट बना है उसका उद्घाटन करने स्वयं मोदी जी और शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री जी थे तब वो आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था। और एक डिकेन भगवानपुरा में नीमच जिले में एक बहुत बड़ा प्लांट तैयार हुआ है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने रीवा में जो प्लांट चालू किया उस ऊर्जा का, उसमें हमने देखा है कि उस प्लांट में भी उन्होंने नीमच को जिक्र किया है, कि नीमच की तारीफ भी की और नीमच का नाम भी सब लोगों के बीच में लिया। तो यह नीमच जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में हम और भी क्षेत्रों में सर्वे करा रहे हैं, चाहे नीमच विधानसभा हो, जावद हो, मनासा हो, जहाँ भी हमें समतल ज़मीन मिलेगी वहाँ प्लांट लगाने के लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे। और ये अपेक्षा है मुझे कि सरकार हमारी बात पे पूरा अमल करेगी और भी प्लांट खोले जाएंगे, जिससे कि और सस्ती बिजली लोगों को मिल सके। प्रदेश के रीवा जिले में 750 मेगावाट क्षमता के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया हुआ है। इस परियोजना के लोकार्पण करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश में निकट भविष्य में स्थापित होने वाले 1500 मेगावाट क्षमता के नीमच आगर शाजापुर सोलर पार्क की स्थापना का भी उल्लेख किया है। इस पार्क के स्थापना के बाद में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ ग्रीन पावर, क्लीन पावर के फायदे भी प्राप्त होंगे। नीमच आगर शाजापुर में प्रस्तावित 1500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना से उत्पन्न होने वाली विद्युत को भारतीय रेल को कुछ हिस्से में बेचा जाएगा, शेष बिजली मध्य प्रदेश शासन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिकेन में हमारा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट है, उसके अलावा हम लोग अभी सिंगोली में भी एक प्लांट प्रस्तावित है जिसकी जमीन का अधिपत्य हम लोग मध्य प्रदेश शासन के नवकरणीय ऊर्जा विभाग को सौंपने वाले हैं। उसकी कंपनी के DPR जो उस प्रोजेक्ट का DPR भी तैयार हो गया है। नीमच के लिए बहुत विशेष गर्व की बात है कि पूर्व में भी एक बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया और अभी आने वाले समय में भी हम लोग एक बड़ा प्लांट स्थापित करने वाले हैं। और सौर ऊर्जा का नीमच एक बहुत बड़ा पूरे देश में और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा आगे आने वाले सालों में। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कोरोना के चलते इसके कार्यों में थोड़ी सी डिलेज हुई है, लेकिन अब कोरोना के साथ साथ हम लोग इस कार्यों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तहसीलदार ने जो उनके प्लांट के लिए जगह चाहिए वो चिन्हांकित कर लिया और उसका अधिपत्य भी जल्दी ही देने वाले हैं। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।